नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीबीएन 24, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। यूपी से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। कोतवाल पर लगा है महिला सिपाहियों से घरेलू काम कराने का आरोप। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के कटरा कोतवाली के कोतवाल पर उन्हीं के थाने की एक महिला सिपाही ने ड्यूटी के बजाय घरेलू कामकाज कराने का आरोप लगाया है। कटरा थाने में तैनात महिला सिपाही ने कोतवाल पर तमाम आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला कांस्टेबल का शिकायती पत्र मिलते ही पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण संजीव वाजपेयी ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोतवाल और महिला सिपाही का विवाद जब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा, तो उन्होंने महिला सिपाही का ट्रांसफर कटरा थाने से महिला थाने में कर दिया। पुलिस अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में महिला सिपाही ने लिखा है कि उनके थाने के कोतवाल धर्मेंद्र गुप्ता महिला सिपाहियों से ड्यूटी के बाद अपने घर का घरेलू कामकाज करवाते हैं। शिकायती पत्र में यह भी लिखा है कि थाने के कोतवाल महिला सिपाही से अपने दो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़वाते हैं। जब महिला सिपाही ने कोतवाल का घरेलू काम करने से मना कर दिया, तो कोतवाल ने महिला सिपाही को अपने ऑफिस से बाहर भगा दिया। आपको बता दें कि अपने ऑफिस से महिला कांस्टेबल को बाहर भगाते हुए कोतवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जीबीएन 24 सृष्टि राय के साथ।